नमस्कार दोस्तों, काफ़ी साथी कमेंट करके पूछ रहे हैं कि उनका वोटर आईडी कार्ड घर पे डिलीवर नहीं होता। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ कहाँ आपका कार्ड डिले हो सकता है और किस कारण डिले होता है, कितने प्रोसेस हैं। सबसे पहले जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं, फॉर्म 6 या 8, वो सबमिट हो जाता है, BLO के पास रिपोर्ट होने के लिए चला जाता है। जब आप फॉर्म का स्टेटस नंबर ट्रैक करेंगे तो आपको BLO अपॉइंटेड दिखाई देगा। अगर आपने वोटर हेल्पलाइन ऐप या वोटर्स ECI पोर्टल से आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो मान लीजिए आपका फॉर्म 7 दिन या 8 दिन के पास BLO के पास रहेगा रिपोर्ट होने के लिए। अगर BLO से आप अप्लाई करवाते हैं, BLO के पास अलग से एक ऐप है, BLO ऐप, तो अगर आप उससे फॉर्म अप्लाई करवाते हैं तो वो विद इन सेम डे ही BLO अलॉट हो जाता है और उसकी रिपोर्ट भी हो जाती है। तो इस तरीके से आपके 7 डेज बच सकते हैं अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप जब फॉर्म अप्लाई करते हैं 7 दिन BLO के पास, फिर जब रिपोर्ट हो जाता है, FVR फील्ड वेरिफिकेशन रिपोर्ट सबमिट हो जाती है, तो वो ERO ऑफिस में चला जाता है। ERO ऑफिस में जाने के बाद 7 डेज़ में आपका फॉर्म एक्सेप्ट या रिजेक्ट होता है। नॉर्मली ये टाइम है 15 दिन का, बट इसमें किसी भी लेवल पे डिले हो सकता है। आप इसे ट्रैक करने के लिए आपको रेफरेंस नंबर डाल के ट्रैक करना होगा। आप अपने फॉर्म को कैसे ट्रैक कर सकते हैं इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए। 15 दिन के टाइम पीरियड में जब आपका फॉर्म फाइनली एक्सेप्ट या रिजेक्ट हो जाता है तब क्या होता है, आपके फॉर्म को प्रिंटिंग के लिए भेजा जाता है। उसमें कितना टाइम लगता है, पूरे महीने में जितने भी वोटर आईडी कार्ड जुड़ने के लिए या करेक्शन होने के लिए आए हैं उन सभी का डेटा एक साथ ERO ऑफिस से प्रिंटिंग के लिए भेजा जाता है PVC कार्ड बनने के लिए। उसका टाइम ये मान लीजिए आप 1 महीना कम से कम लग जाता है। अगर कोई जल्दी करता है तो 15 दिन मान लीजिए, और डिले करता है तो ये ऑफिस पे डिपेंड है कि वो 1 महीने डिले करते हैं या 2 महीने डिले करते हैं, ये ऑफिस के ऊपर डिपेंड है। इसे आप ट्रैक नहीं कर सकते, आप केवल इतना ट्रैक कर सकते हैं कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट। इस 1 महीना और 15 दिन को मान लेते हैं तो अपना 1.5 महीने का टाइम हो गया फॉर्म को प्रिंटिंग तक जाने के लिए। अब क्या होता है, जब प्रिंटिंग के लिए फॉर्म को सेंड कर दिया जाता है तो प्रिंटिंग फर्म से वो कार्ड प्रिंट होने में ही 15 से 20 दिन लग जाते हैं। वो 15 से 20 दिन या इससे ज़्यादा भी लग जाता है, वहाँ से प्रिंट होके कार्ड वापस ERO ऑफिस में आते हैं, आपके सब डिविजनल ऑफिस में आते हैं, फिर वहाँ से आपके कार्ड बाय पोस्ट भेजने के लिए पोस्ट ऑफिस में भेजे जाते हैं। तो इस दौरान ये मान लीजिए अराउंड 2 महीने का टाइम लग जाता है। 2 महीने के टाइम के बाद आपका कार्ड आपके पोस्ट ऑफिस में जब दे दिया जाता है तो उसके 5 से 7 दिन में आपके घर पे डिलीवर होने के लिए आता है। तो नॉर्मली आप ये मान लीजिए 2 महीने का राउंड फिगर का टाइम तो लगता ही लगता है। जल्दी से जल्दी, मेरे को नहीं लगता इसे जल्दी कोई वोटर आईडी कार्ड डिलीवर करता होगा, तो 2 महीने का टाइम ये आपका लग जाता है अप्लाई करने के बाद, अगर टाइमली सारी चीज़ें हों। अगर कहीं पे भी किसी भी लेवल पे डिले होगा तो आपका कार्ड और डिले हो जाता है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सारी प्रोसेस ठीक से होती रहे, आपका कार्ड आपको मिले, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो फॉर्म अप्लाई करते वक्त आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, आपका जो पता है वो एकदम क्लियर होना चाहिए, एड्रेस। सेकंड चीज़, जब आप फॉर्म 6 अप्लाई करते हैं तो उसमें एक रिलेटिव का एपिक नंबर पूछा जाता है, तो वो रिलेटिव का एपिक नंबर पहचान पत्र संख्या आप ठीक से भरें ताकि आपका वोट सही जगह पहुंच जाए। तीसरा, आप मोबाइल नंबर आवश्यक रूप से उसमें दर्ज करवाएं ताकि जब आप पोस्टमैन आपके घर के पास आए आपको कार्ड डिलीवर करने के लिए फ़ोन करे तो आपका वर्किंग फ़ोन नंबर दीजिए। ऐसा नहीं कि कोई भी रेंडम नंबर आपने दे दिया जिस पर आप फ़ोन ना उठा सकें। तो ये 3 चीज़ें आप ज़रूर श्योर करें ताकि जब आप कार्ड एक्चुअल में आपके घर के पास आए तो आपको डिलीवर हो जाए। अब पोस्ट ऑफिस से जो कार्ड भेजे जाते हैं उनको आप ट्रैक नहीं कर सकते, उनका कोई रेफरेंस नंबर आपको नहीं भेजा जा रहा है, लेकिन हो सकता है जल्दी ही पोर्टल पर ये सुविधा हो जाए कि आपका कार्ड जब बाई पोस्ट ऑफिस सेंड किया जाता है तो आप उसे भी ट्रैक कर सकें। जैसे ये सुविधा आएगी मैं आपको इलेक्शन गाइड चैनल पर इसके बारे में बता दूंगा। तो आप अपने फॉर्म को एक्सेप्ट होने तक ट्रैक कर सकते हैं, उसके बाद आप ट्रैक नहीं कर सकते, जब तक बाई पोस्ट आएगा तब तक आपको मिलेगा। अब इसमें एक सावधानी और रखने की ज़रूरत है, आप अगर फॉर्म करेक्ट करते हैं, करेक्शन करते हैं किसी भी चीज़ में, डेट ऑफ बर्थ, नाम, एड्रेस, तो आपका कार्ड ऑटोमेटिक ही आएगा, आपको अलग से रिप्लेसमेंट ऑफ एपिक कार्ड के लिए अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने मोबाइल नंबर लगाया है, चेंज करवाया है, ऐड करवाया है, तो आपका एपिक कार्ड ऑटोमेटिक नहीं आएगा। कभी भी आप कोई करेक्शन नहीं करवाते हैं, आपको केवल वोटर आईडी कार्ड चाहिए, तो आप 3 महीने के अंतराल में केवल एक बार ही फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
सेम चीज़ करेक्शन के बारे में, आप 3 महीने में केवल एक बार ही करेक्शन करवा सकते हैं, तो आपकी 3 या 4 जो भी एंट्रीज़ हैं एक साथ आप करेक्ट करवा लीजिए, क्योंकि एक क्वार्टर के अंदर आप केवल एक फॉर्म ही आपका एक्सेप्ट होगा, अगर उसके बाद आपने कोई फॉर्म लगाया तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो इस तरीके से आप करेक्शन के अंदर ध्यान रखें। अगर कार्ड आपको चाहिए तो अगर आपने फॉर्म 6 अप्लाई किया है तो आपको कोई अलग से फॉर्म अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, कार्ड ऑटोमेटिक आएगा। अगर फॉर्म 8 में किसी भी तरीके का करेक्शन करवाया है मोबाइल नंबर को छोड़ के, तो भी आपका कार्ड ऑटोमेटिक ही आएगा, आपको कोई भी फॉर्म अलग से अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा आप अपने फॉर्म का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैकिंग अभी जो पोस्ट ऑफिस की है वो आपके लिए अभी अवेलेबल नहीं है, जैसे ही होगी आपको इस चैनल पे मैं इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका कार्ड अगर डिले होता है ECI से, तो आप और कोई माध्यम से अगर सर्विस लेना चाहते हैं या हमें कोई आप अपनी परेशानी बताना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, या आपका कोई और कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, उसका सॉल्यूशन मैं ज़रूर लेके आऊँगा। तो आशा है कि इस फॉर्म अप्लाई करने से लेकर प्रिंटिंग तक की कुछ प्रोसेस आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए आपका अपना फेवरेट चैनल इलेक्शन गाइड। बाय बाय।